अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। खुदा आपको सबको जो है वो अपने घरों में खुश और आबाद रखे हमेशा। यहाँ पर जो है वो जाहिया को मैंने सुबह नाश्ते के लिए सुबह स्कूल के लिए उठाया था नाश्ता कराने के लिए, और जाहिया का सुबह जो है ना वो मूड अजीबोगरीब ऑफ हुआ होता है, बोलने का दिल नहीं उसका कर रहा होता, फ्रेश ही नहीं होती जल्दी जल्दी। बादाम जो है वो मैं रोज़ भिगो देती हूँ बच्चों के लिए, खुरम के लिए। तो बस मैंने यहाँ पे खुरम के लिए भी, उन्होंने जिम जाना था उससे पहले मैंने उनके लिए अंडे बॉईल किए थे और बादाम साथ रखे थे, साथ उनके लिए मैंने सैलड बनाना था। जारिया ने मैक्रोनी बनवाई थी मुझसे पिछले दिन रात को, तो अभी उसने लंच लेके जाना था, तो उसे था कि मैंने लंच में मैक्रोनी लेके जानी है, तो इस वजह से जो है वो मैडम को फिर मैंने मैक्रोनी लंच के लिए स्पेशल बना के दी थी कि अच्छा चलो ठीक है आप लंच में ले जाना। और बस मैं यहाँ पर सैलड भी जो है वो बना के रखने लगी हूँ। खा लोगी ना? हाँ मैं खा लूँगी। सैलेड उन्होंने लंच में लेके जाना था, बॉयल अंडे ब्रेड और पीनट बटर जो है वो उन्होंने फिर जिम से आके खाना है। ये वाला मुझे लगी थी दोपहर में भूख, तो मैंने जो है मैक्रोनी अपनी ही गर्म कर ली थी। खुरम का भाई इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान उनको मिला हुआ ना, वो बनाते बनाते मैं उनको कह रही थी कि मैंने जो है ना, मुझे लग रहा है वो बना बना के ना मैंने पागल हो जाना, मतलब इतनी गर्मी में खड़े हो के ये सब कुछ करना। खैर फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनके लिए मुझे करना पड़ेगा। शाम को जो है वो उन्होंने आके स्टीम चिकन खाना था, तो उनके लिए मैंने वो बनाया था। ऑब्वियसली इसका भी इतना लंबा काम होता, मैरिनेट करो फिर उसको स्टीम करो ये वो। अंडे भी बॉयल कर रही थी क्योंकि वो भी उन्होंने अंडे की सफ़ेदी सिर्फ खानी होती है, वाइट वाला पार्ट जर्दी नहीं खाते। जिम के लिए भी सबसे ज़्यादा खुरम के पीछे मैं ही पड़ी हुई थी कि खुरम जिम ज्वाइन कर ले, मैं उनको कब से कह रही थी, और फिर खैर जो है वो ज्वाइन कर ही लिया। तो क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा बैठने वाला है, तो मुझे था कि कम से कम कोई तो आपकी एक्टिविटी या एक्सरसाइज को छोड़ जो आप कर रहे हो। बस यहाँ पर जो है वो जारिया की फरमाइश थी कि मुझे पुलाव खाना है, वो काफ़ी दिन से पीछे लगी हुई थी मुझे बूटी राइस बना के दें, तो फिर खैर पुलाव जो है वो बनाया था। और इसके अलावा फिर पुलाव बनता था ऑब्वियसली, साथ कबाब तो मस्ट होते हैं ना, फिर साथ कबाब भी बनाने थे। और वरना हमारे घर जब पुलाव बनता है ना, कबाब बनता है, रायता बनता है, इसके साथ सालन भी बनता है साथ, मतलब लाजमी होता है। अभी तो शुक्र है कि जो है ना हमने फिर शाम को मैंने सालन नहीं था बनाया, पुलाव और कबाब जो मैंने बना लिए थे। बस जारिया को जो वो खाना पसंद आया था और उसने बड़े शौक से जो है वो पेट भर के खाना दोनों बच्चों ने खा लिया था। और आजकल तो अजीब तबीयत हुई हुई है, एक तो डायरिया बहुत ज़्यादा इन हुआ है बच्चों में, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा फिर गला ख़राब और खांसी इस कदर जो है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा इतने दिन हो गए हैं यही मसला चल रहा है, और इतनी शदीद खांसी है कि उफ़। मौसम आप देखें कितना प्यारा हो रहा है इस टाइम, दिल कर रहा है कि मैं ना बस बाहर कहीं चली जाऊँ लॉन्ग ड्राइव पर। खुरम खुद ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ जा चुके हैं, तो बहुत अच्छा मौसम हुआ है। मैं राजो आ जाओ बेटा जल्दी से फौरन, ज़्यादा बाहर नहीं खड़े होना, डॉगी पता ना आ जाता है। दरवाज़ा खुलने की देर होती है कि ये बच्चे तो ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे कोई कैदी जेल से नहीं छूटते, ऐसे निकल के भागते हैं ये लोग। चलो बस आ जाओ बेटा अंदर, आ जाओ आ जाओ। मुझे लगी थी रात को बहुत ज़्यादा भूख, 12:30 बजे, तो फिर फौरन घर ही थे, तो मैंने उनको कहा मुझे आप पिज्ज़ा जो है वो डोमिनोज से फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था इनका, और मुझे जो है ना वो डोमिनोज का पैरी पैरी जो फ्लेवर है ना बस वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी उनका मुझे कोई पसंद नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटा सा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, वो वीडियो को लाइक करें, जो नहीं देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।